अब चलते हैं नुमेरकर प्रॉब्लम नंबर नाइन की तरफ जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अ ग्लास लाइट पाइप इन एयर विल टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट अर लाइट रे इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एट लीस्ट थर्टी नाइन डिग्री वट इज द मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ पाइप इज इन वॉटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हमें गिवन है सबसे पहले हम लोग सोलूशन को देखते हैं एंगल्स जो है हमारे पास सबसे पहला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर क्योंकि एयर से लाइट आ रही है पानी की तरफ तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि गिवन भी है हमारे पास वो कितना है थीटा सी विच इज़ इक्वल टू थर्टी नाइन डिग्री अब हमारे पास जैसे ही लाइट वाटर के अंदर एंटर होगी तो जो हमारे पास वहाँ पर एंगल बनेगा लाइट का स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने फाइंड करना है जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है थीटा सी डैश से यूजिंग स्नेल्स लॉ यहाँ पर हम लोग ग्लास ऑफ वाटर के लिए स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है एन वन साइन थीटा वन विच इज़ इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू जो रेशो है हमारे पास एंगल्स की इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल्स और इसके साथ साथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्सिस की भी इसको हम लोग इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं यहाँ पर हमारे पास थीटा वन किसके इक्वल है स्टूडेंट्स थीटा सी डैश के और जो थीटा टू है वो इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री के फर्दर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात करें तो एन टू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का जो कि गिवन है 1.33 और एन वन जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का सो so एन को फाइंड करने के लिए हम लोग अगेन्नेल्स लॉक यूज़ करेंगे टू फाइंड एन वन लॉ को यूज करते हैं एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा या फिर हम लोग इसको अरेंज करके लिख सकते हैं एन वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा नाइन्टी डिग्री यहाँ पर एन टू हमारे पास क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो कि इक्वल होता है वन के देर फोर एन वन इज इक्वल टू वन आवर साइन ऑफ थर्टी नाइन डिग्री इज इक्वल टू वन आवर जीरो पॉइंट सिक्स टू नाइन सो एन वन इज इक्वल टू वन आवर जीरो पॉइंट सिक्स टू नाइन इन तमाम वैल्यूज़ को हम लोग स्टूडेंट्स इक्वेशन ए के अंदर पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास थीटा सी थी डैश की वैल्यू क्या आती है पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट एन वन की जगह पुट करेंगे वन पॉइंट फाइव नाइन को एंड साइन थीटा सी डैश इज इक्वल टू एन टू की जगह वन पॉइंट थ्री थ्री उसके साथ आ जाएगा साइन नाइन्टी डिग्री सो थीटा सी डैश इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन पॉइंट थ्री थ्री इन टू साइन नाइन्टी डिग्री सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीठा सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट एट थ्री सिक्स सो थीटा सी डैश विल बी इक्वल टू फिफ्टी सेवन डिग्री सो स्टूडेंट्स इस सुमेरकोर प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने इजीली थीटा सी डैश की वैल्यू को फाइंड किया जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसके अंदर वाटर के अंदर थैंक यू